कहते तो है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मगर ये भी सच है कि घर का मुर्गा चावल या रोटी बराबर। जिस रिश्ते में अपनी बात कहने सुनने की आज़ादी होती है, वहाँ अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना नहीं, मगर अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच ऐसी बातें हो जाती हैं कि दिल तार तार हो जाता है। तो कैसे ये डिसाइड करें कि हाँ ये रिलेशनशिप सही है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसे निभाना चाहिए, या बस उस दिल के तार तार होने से आहत होकर रिश्ते को छोड़ जाना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं मेरी ही अपनी जिंदगी से जुड़ी एक अच्छी और एक बुरी घटना से। बचपन से मुझे हिंदी फिल्मों का, हिंदी फिल्मी गानों पर डांस करने का बहुत शौक था। शादी के पहले अपना रूम बंद करके तेज वॉल्यूम पर कोई हिंदी फिल्मी गाना लगाकर जब मैं डांस करती थी, तो थोड़ी ही देर में घर के किसी सदस्य की आवाज आ जाती थी, सोनिया कितना शोर मचा रखा है, बैठना मुश्किल कर दिया है। अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता था, एकदम फालतू का शौक है ये तुम्हारा, थोड़े घर के काम काज सीख लो। उस समय श्रीदेवी का गाना मुझे बहुत पसंद था, एक श्रीदेवी के सभी गानों का मुझे बहुत क्रेज है। करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, ये गाना मैंने बहुत लाउड वॉइस पर चला रखा था और मेरा रूम बंद था। थोड़ी ही देर में मेरी मम्मी ने जोर से गुस्से में नॉक किया और बोला, ये क्या कर रही हो तुम, कितना बेकार गाना लगाया है, वो मैकेनिक आकर फलाना चीज ठीक कर रहा है, ऐसा खराब गाना लगाते हैं क्या कोई घर में आता है तो? मैंने कहा, पता नहीं अच्छा खासा गाना तो है, क्या खराबी है? मतलब पूरी रोक टोक थी मेरे इस शौक पर। शादी हुई, मेरे हस्बैंड को मेरे इस शौक का पता चला। उन्हें ना डांस करने का शौक है, ना वो एक स्टेप आज भी करते हैं, मगर हिंदी फिल्मी गानों का उन्हें शौक है। मेरे समय में सीडीज आती थी, तो वो जब अपने लिए किसी पुराने गायक की सीडी लेने जाते थे तो मुझसे जरूर पूछते थे, सोनिया तुम्हें कौन से फिल्म के गाने चाहिए, बताओ मैं सीडी ले आऊंगा। उन्होंने मुझे शादी के बाद अपना रूम बंद करके तेज वॉल्यूम पर गाना चलाकर डांस करने से कभी नहीं रुका। उनके हिसाब से अगर ये मेरा शौक है तो इट्स ओके, इट कीप्स मी हैप्पी, इट कीप्स मी फिट, इट कीप्स मी गोइंग, और शायद यही वजह है कि आज मैं कीप गोइंग हूँ। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि न्यूली मैरिड कपल्स में, प्रेमी प्रेमिका में 90% तक के जोड़ों में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, शुरुआती सालों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। हमारे हस्बैंड जो है वो कम बोलते हैं और मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, तो ऐसा ही एक आर्ग्यूमेंट हुआ हमारे और हमारे हस्बैंड के बीच। और चूंकि वो कम बोलते हैं, थोड़ी देर बाद वो परेशान हो गए मुझसे और उन्होंने कहा, सोनिया बहुत हो गया, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, चली जाओ यहाँ से, मत रहो यहाँ पर। मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, आंसू बहा बहा कर मैं रोई, जल्दी जल्दी अटैची में अपना सामान पैक करने लगी और कुछ एक सामान मुझे नहीं मिल रहा था अपनी ज़रूरत का, वो मैं ढूंढ रही थी दूसरे कमरे में। और वापस जब मैं रूम में आई अपने, तो मैंने देखा सारे कपड़े अटैची से निकलकर बाहर वापस अलमारी में चले गए हैं और अटैची भी ऊपर वापस चढ़ गई जहाँ से मैंने उतारी थी। सामने हस्बैंड खड़े होकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि गुस्से में ये बात कही गई है, तो माँ बाप ने जो अच्छा समझा वो हमको बतलाया था, पर हमने जो अच्छा समझा दिल तुम्ही से बस कह पाया था। तो ये घटनाएं ये बताती हैं कि जिंदगी के निर्णय गुस्से में कही बात के आधार पर नहीं लेने चाहिए, हमेशा ये कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि जिंदगी में अच्छा ज्यादा है या बुरा ज्यादा है। और दूसरी बात, हमारे घर के किसी सदस्य को अगर किसी काम का कोई शौक है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, इनफैक्ट उसे अपने शौक को पूरा करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा शौक उसे कीप गोइंग रखता है, फिट रखता है, एक्टिव रखता है। तो अगर ये बातें, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये घटनाएं आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं हूँ सोनिया अग्रवाल, मिलते हैं अगली कहानी में।